हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो है मनी प्लांट के बारे में कि जब हम मनी प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं तो उसकी केयर कैसे करें और मैं कौन से फर्टिलाइज़र देती हूँ जो मेरे मनी प्लांट इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ होते हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एक बार फिर मेरे चैनल में आपका वेलकम है। तो ये जो देख रहे हैं जो मेरा मनी प्लांट जो मैंने पानी में ग्रो किया है, तो इसकी जो है आज अच्छे से इसकी मैं डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि इसके पत्ते वगैरह देख सकते हैं कितना जो है पीला हो गया है और बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से इसको जो है अच्छे तरह से जो मैंने मार्बल डाले हैं उसको वॉश करना है। और मार्बल को हो सके थोड़ी सी शैम्पू या थोड़ा सा विम जेल लेके आप उसको वॉश कर सकते हैं और इस तरह से फिर जो ग्लास है इसको भी अच्छे से इसको क्लीन करना है। इसमें जो है मार्बल थोड़े कम ही डालूंगी क्योंकि मेरे मनी प्लांट की थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, जड़ वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, तो क्योंकि उसको अपना जगह बनाने के लिए अपना एरिया जो है फिट करने के लिए जगह चाहिए, तो इसीलिए मैं मार्बल जो है कम डालूंगी। उसके बाद जो है मार्बल के जो भी पीले पत्ते हैं उसको मैं कट कर दूँगी और या उसको फिर हल्के हाथ से उसको मैं हटा दूँगी। तो अगर पीले पत्ते हो जाते हैं तो हमारे मनी प्लांट जो है अच्छे से वो ग्रोथ नहीं होते हैं और जो है उसमें ऐसा कह सकते हैं कि मनी प्लांट की ग्रोथ में बाधा आती है। जड़ को अच्छे से जो है हल्के हाथों से मैश करके जो भी इसमें गंदगी है, जो भी इसमें जो लार्वा वगैरह बना है उसको क्लीन कर देना है। और इसका में जो कभी कभी होते हैं जो जड़ में जो है फंगस लग जाते हैं, तो जिसके वजह से जो हमारी मनी प्लांट की ग्रोथ में बाधा होती है, तो उसको आप कट करके उसको अलग कर सकते हैं। और इस तरह से मैं अपनी मनी प्लांट की केयर करती हूँ। और फर्टिलाइज़र की अब मैं बात करती हूँ कि मैं इसमें क्या फर्टिलाइज़र कर देती हूँ। तो विश्वास करिए मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, बस ये सिंपल और इस तरह से ऑथेंटिक ये मनी प्लांट मेरा जो है ग्रो हो रहा है। और जब भी मैं इसमें इसकी क्लीनिंग करती हूँ तो बस ये सिंपल आरओ का पानी मैं इसमें डालती हूँ और कुछ नहीं इसमें मैं ऐड करती हूँ। हालांकि मैं अभी बाहर का एक मनी प्लांट है मेरा जो है सॉइल में है उसको भी मैं दिखाऊंगी, उसमें भी मैं कुछ नहीं डालती हूँ, वो अपने आप ग्रोथ होते हैं। हाँ, जब भी इसमें पत्तियाँ सूखी हैं या पत्ते पीले पड़ गए हैं तो उसको मैं थोड़ा सा कटिंग जो है उसको हटा देती हूँ और समय समय पर जो उसकी मिट्टी है उसको मैं थोड़ी सी खुदाई कर देती हूँ। बस मैं यही केयर करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ और इस तरह से जो है मेरी मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ होते हैं। तो इस तरह से मैंने दो क्लीनिंग मैंने जो मेरे वाटर मनी प्लांट हैं इस तरह से मैंने इसको क्लीन किया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए और वीडियो आप वो देख पाएँ और आप भी अपने घर को इस तरह से डेकोर कर पाएँ। तो अब यहाँ पे मैं मनी प्लांट रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट आती है और
यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी से जो है हवा वगैरह पास करती है। तो क्योंकि प्रॉपर अगर हम रूम में इसको रखते हैं तो उसको भी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक मैंने सॉइल में लगाया है और इसके जो लच्छे निकलते हैं तो इसी में मैं उसको राउंड राउंड घुमा देती हूँ। तो इस तरह से है, और यही आप मेरे मनी प्लांट मेरे वीडियोस वगैरह में आप देखते होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना जो सूर्यक है उसी के ऊपर रखती हूँ। और यहाँ से जो आप देख सकते हैं ये खिड़की है, फिर ये जाली वाली है जो हम लोग इंट्रेंस करते हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी हवा बहुत अच्छी तरह से पास होती है, जो इसको मुझे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये अच्छे से मेरा ग्रोथ होता है। और एक और टिप्स देना चाहूँगी, इसी अगस्त के समय में अगर आपके घर में गेंदे का फूल अगर है तो उसकी कटिंग करके आप इस तरह से लगा दीजिए, ताकि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक आते आते इसमें जो है फूल आने लगेंगे। तो हम लोगों ने लगा दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से भी देखिए ग्रोथ हो गए हैं। जो भी प्लांट आप लगाएं इस बारिश के मौसम में ही लगाएं, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होंगे। और इसमें ये देखिए ये जो मेरा लक्ष्मण बूटी है, इस तरह से ये कितने अच्छे तरह से लटक रहे हैं और इसमें भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग होने लगी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये जो मेन मनी प्लांट है, तो इसी में से मैं कट करके, जब ये बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो इसी में से यहाँ से कट करके मैं अपने जो है वाटर में मैंने लगाया था। और मनी प्लांट की कई वीडियो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। कुछ आइडिया मिला होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।